एवरीवन, मैं हूं अंबा बकास कुक विदम्बर में। आप सबको कहती हूं शामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से और बिल्कुल ठीक होंगे। आज की रेसिपी जो हम आपके लिए रेडी करेंगे वो एक नहीं बल्कि दो रेसिपीज हैं। तो आज हम आपके लिए बनाएंगे मटन गोला कबाब विद मसाला राइस। बहुत ही मुनफरिद और आसान रेसिपी है, इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कुक विद अंबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके बिल्कुल टाइम पर। चलिए अब जितने किचन की जानिए वो झटपट और आसान रेसिपी आपके लिए बनाते हैं। जी तो व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम मसाला राइस की तैयारी करते हैं, तो मसाला रेडी करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक पैन मौजूद है, इसमें हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल, 3 अदद प्याज इसमें शामिल करेंगे जो कि मैंने थिनली स्लाइस किया है। मीडियम हाई फ्लेम पे प्याज को अच्छा सा लाइट गोल्ड कलर देंगे। जी तो प्याज बहुत अच्छा सा क्रिस्पी गोल्ड कलर का हो चुका है, इस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें हम ऐड करते हैं 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट एंड 1 टीस्पून ऑफ ग्रीन चिली पेस्ट। ये सेम 3G पेस्ट है जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। अब इसमें हम ऐड करते हैं एक लार्ज टोमेटो जिसको मैंने इस तरह से फाइनली चॉप किया है। इसमें हम ऐड करते हैं योगर्ट 2 टेबलस्पून, 2 से 3 चम्मच इसमें हम पानी शामिल करेंगे। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। जी तो साथ ही साथ अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसमें शामिल हैं 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर। अच्छे से मिक्स करके अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा अच्छा सा मैशी हो जाए। जी तवेर्स, गोला कबाब बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर मौजूद है मटन मेंस जो कि तकरीबन 1 पाउंड के करीब है। इसको हम लोग फाइन चॉप जो है वो करवाएंगे। आप किसी भी चॉपराइजन में शामिल करके इसको अच्छा सा चॉप कर सकते हैं। जी तो कीमे में हम शामिल करेंगे कुछ मसाले जो कि कुछ यूं हैं, जिसमें शामिल है हमारे पास 1 टीस्पून ऑफ चाट मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, जीरा लेंगे 1/2 टीस्पून जिसको मैंने मोटा मोटा दरदरा कूट लिया है, 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून या हस्बे जायका आप इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम कचरी पाउडर या मीट टेंडराइजर, 1 टेबलस्पून हीप्ड इसमें बेसन शामिल करेंगे। जितने चॉपराइजर में हम सबसे पहले शामिल करेंगे मटन मेंस। अब ये तमाम मसाले इसमें ऐड करेंगे। जी तो अब साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ऑफ जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट एंड 1 टीस्पून ऑफ ग्रीन चिली पेस्ट। अब इसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून ऑफ फ्राइड अनियन, 1 टेबलस्पून ऑफ क्रीम्ड योगर्ट। जी तब इसको बंद करते हैं और अच्छा सा फाइन चॉप करते हैं। जी त्रियर्स, मिक्सचर हमारे पास ठंडा हो चुका है। मैंने इस मिक्सचर को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। मेरे पास यहाँ पर एक ऑर्डिनरी सा स्पून मौजूद है, आप इसके साथ भी जो कबाब है उसको शेप कर सकती हैं। इस तरह से हम मुनासिब सी मिकदार में जो है वो मिक्सचर लेंगे और इसका इस तरह से एक राउंड सा बॉल बनाएंगे। इस तरह से स्पून पे इस कबाब को लगाएंगे, हल्का सा इसको सेटल करेंगे, इस तरह से कबाब को रेडी करेंगे। ये देखिए। अच्छा तो अब मैं इन तमाम कबाब को अच्छा से रेडी करती हूँ। जी तो मसाला राइस बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर मौजूद है बॉइल्ड राइस, इसमें जो है वो एक कनी मौजूद है। इसमें सिर्फ हमने सॉल्ट और ऑयल जो है वो शामिल किया था और यहाँ पर हमारे पास मसाला मौजूद है जो कि हमने अभी बनाया था। तो अब हम मसाला राइस को अच्छा सा दम पे लगाते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक पॉट मौजूद है जिसमें हम राइस जो है वो बनाएंगे। इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबलस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल, 1 to 2 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे। इससे जो हम लोग राइस रेडी करेंगे उसकी बेस जो है वो स्टिक नहीं होगी।
जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसमें हम राइस ऐड करेंगे, फिर ऐड करेंगे मसाला। अब जो हमारे रिमेनिंग राइस हैं वो ऐड करते हैं। इसकी टॉपिंग पे ऐड करेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर, 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस ऐड करेंगे, फ्रेश कोरिएंडर और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। जी तो हमने तमाम चीज़ों को ऐड कर दिया है, अब इसको हम कवर करते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि मसाला राइस हमारे अच्छे से दम पे नहीं आ जाते। जब हम गोला कबाब फ्राई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन मौजूद है, इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। जी व्यूअर्स, हमने गोला कबाब को अच्छा सा शेलो फ्राई कर लिया है। इसका टोटल कुकिंग टाइम तकरीबन 5 से 6 मिनट होगा, क्योंकि इसमें हमने मीट टेंडराइजर भी ऐड किया है। जी व्यूअर्स, सर्विंग के लिए हमारे पास यहाँ पर एक प्लेटर मौजूद है, ये सिजलिंग प्लेटर है। इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल, इसमें हम ऐड करेंगे 1 स्लाइस्ड अनियन, जिस इसकी टॉपिंग पे अब हम ऐड करेंगे लेमन जूस। कोरिएंडर लीव्स, बिस्मिल्लाह। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारे मसाला राइस बिल्कुल रेडी हैं। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि हम मसाला राइस और गोला कबाब की प्लेटिंग किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक सर्विंग ट्रे मौजूद है, इसमें मैंने एक साइड पे यहाँ पे शेप किए हैं मसाला राइस। इसके साथ हम सर्व करेंगे गोला कबाब। इसमें हम थोड़े से फ्राइड अनियन जो है वो स्प्रिंकल करते हैं। जी व्यूअर्स, आज हमने आपके लिए बहुत ही स्पेशल फीस्ट जो है वो प्रिपेयर की है, जिसमें शामिल है हमारे पास मटन गोला कबाब, मसाला राइस, और इसको हमने कॉम्बिनेशन दिया है विद मिंट चटनी। आई होप आपको यह आसान सी और डिलीशियस रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत ही अच्छी और रिफ्रेशिंग सी रेसिपी है, इसको ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मसाला राइस का ये कॉम्बिनेशन आसान सी रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।